मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बयान महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे दिया है, इससे वो विवादों में फंस गए हैं। राहुल गांधी जो ट्वीट करके कहा है कि हिंदुत्व ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, यह सब हिंदुत्ववादी को लगता है कि महात्मा गांधी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। इससे पहले तमिलनाडु में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में अंतर बताया था। ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई है, फिर अमेठी में यही मुद्दा उठाया और फिर जयपुर में महंगाई की रैली में हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान से उनके आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा होगा, शायद मुसलमान जनता हिंदुत्व के बयान पर खुश होकर उन्हें वोट दे दे। उन्होंने मोदी जी के गंगा में स्नान करने से भी हिंदुत्व को जोड़ दिया था। उन्होंने हिंदू को सच्चा और हिंदुत्व को झूठा बताया। उन्होंने मोदी जी के लिए कहा कि वो हिंदुत्ववादी हैं। राहुल गांधी इसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर असली हिंदुत्ववादी होता तो वो गांधी को नहीं जिन्ना को गोली मारता, क्योंकि पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने की थी। इस पर नकवी ने कहा कि कांग्रेस का यही मंत्र कांग्रेस को छू मंत्र कर रहा है, क्योंकि हिंदुत्व देश की आत्मा है, इस देश का संस्कार है, इस देश की पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पुरखों से जाके पूछ लीजिए। हिंदू विश्व परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि गांधी जी है कि नहीं ये पूरे दुनिया को पता है, पर ये हिंदू है कि नहीं ये अपने बयानों से साबित कर दिया है कि इनकी मानसिकता क्या है। इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।